हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स निटिंग एंड स्टाइल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, आज मैं ये प्यारा सा पैटर्न लेकर आई हूँ। बहुत सुंदर पैटर्न है। इसे आप लेडीज़ स्वेटर में, कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, बेबी फ्रॉक में, जेंट्स स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगी तो ये बहुत सुंदर लगेगा। रॉन्ग साइड से ये कुछ इस तरह का दिखता है। और इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 5 के मल्टीपल में फंदे डालने होंगे, प्लस 2 फंदा एक्स्ट्रा। ये देखिए, ये पैटर्न 5 फंदे पे बनाया है, फिर हमने 5 फंदों में का गैप दिया है, और फिर 5 फंदे, 5 फंदे, 5 फंदे करके, तो हमें 5 के मल्टीपल में फंदे डालने होंगे, और 4 सिलाइयों में ये पैटर्न पूरा हो जाता है। तो चलिए हम पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। पैटर्न बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मॉम्स निटिंग एंड स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए नए डिज़ाइन के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ नए नए डिज़ाइन शेयर करते रहें। चलिए हम पैटर्न को बनाना शुरू करते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने 5 के मल्टीपल में फंदे डाल रखे हैं, 25 फंदे, और 2 फंदे एक्स्ट्रा मैंने डाले हैं किनारे के लिए एज एज स्टिच। तो टोटल 27 फंदे मैंने डाले हैं। अब हम पैटर्न को बनाना शुरू करेंगे। पहली लाइन हमारी राइट साइड की होगी। पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे, ये हमारा किनारे का फंदा हो गया। 5 सीधे फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गए 5 सीधे फंदे, बुन आगे 2 उल्टा, बुन पीछे 1 फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे, और एक बार फिर 2 उल्टे फंदे। ये देखिए, यहाँ पर हमने 1 फंदा ये किनारे का हो गया, उसके बाद 5 सीधे फंदे, 2 उल्टा, 1 फंदा बिना बुने हुए उतार लिए, और फिर 2 उल्टे फंदे। तो 5 सीधे और ये 5 फंदे हो गए। इन्हीं 10 फंदों को हमने दोहराते हुए फर्स्ट लाइन को पूरा करना है। अब हम एक बार फिर 5 सीधे फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 2 उल्टा, 1 फंदा बिना बुना हुआ, एक बार फिर 2 उल्टा फंदा, एक बार फिर 5 फंदे सीधे, 3, 4, 5, और ये एक किनारे का फंदा। ये हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। सेकंड लाइन हमारी रॉन्ग साइड की है। पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे, 5 उल्टे फंदे, 5 उल्टे फंदे, 2 सीधा, 1 उल्टा, और एक बार फिर 2 सीधा फंदा। इन्हीं 10 फंदों को हमने रिपीट करते हुए सेकेंड रो को पूरा कर लेना है। ये देखिए, 5 उल्टे फंदे, 3, 4, 5, 2 सीधे फंदे, 1 उल्टा फंदा, और एक बार फिर 2 सीधा, 5 उल्टा। ये हमारी सेकेंड लाइन भी कंप्लीट हो गई। थर्ड लाइन हमारी राइट साइड की है। पहला फंदा हमने बिना बुने उतार देना है, उन पीछे इन 5 सीधे फंदों में हम पैटर्न बनाएंगे,
दो फंदे एक साथ, एक फंदा हमने घटा दिया, ऊन आगे एक फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ पर जाली भी बन जाएगी। एक बार फिर ऊन आगे और ये दो फंदे एक साथ, लेकिन इन दो फंदों को बुनने से पहले हम इन्हें सीधा कर लेंगे। देखिए ऊन हमारा आगे रहेगा ताकि यहाँ पर जो हम फंदे घटा रहे हैं वो यहाँ पर बढ़ जाए। देखिए यहाँ पर फंदा बढ़ गया, ऊन आगे दो उल्टा, ऊन पीछे एक सीधा फंदा, एक बार फिर दो उल्टे फंदे, ऊन पीछे दो फंदे एक साथ, ऊन आगे और एक सीधा, ऊन आगे रखते हुए यहाँ पर हम फंदा बढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने फंदा घटा लिया था। एक बार फिर ऊन आगे और दो सीधे फंदे, दो उल्टा, एक सीधा, दो उल्टा, दो फंदे एक साथ, ऊन आगे एक सीधा, एक बार फिर ऊन आगे और ये दो फंदे एक साथ, लेकिन पहले इनको हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं और पीछे की तरफ से एक साथ। ये हो गया हमारा किनारे का फंदा। फोर्थ रो हमारी रॉन्ग साइड की है। ये देखिए पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे। यहाँ पर पांच फंदे उल्टे हैं, चार पाँच, फिर दो फंदे सीधे, एक उल्टा और उसके बाद फिर दो फंदे सीधे। इन्हीं दस फंदों को हमने दोहराते हुए इस लाइन को पूरा करना है। पांच उल्टा, दो सीधा, एक उल्टा, दो सीधा और फिर से पांच उल्टे फंदे और ये एक फंदा हमारा किनारे का हो गया और ये हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। इस पैटर्न को हम और आगे बुनेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए तो आपको ये पैटर्न कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।